साथियों, आज भारत आगे बढ़ रहा है, भारत का नागरिक आगे बढ़ रहा है, भारत के लोग इस मोमेंटम को बनाए रखना चाहते हैं, अब इससे पीछे नहीं हटना है। और पीछे हटना ये मोदी को तो कभी स्वीकार नहीं हो सकता है। भारत के लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं। भारत के लोग विकसित भारत की यात्रा को गति देना चाहते हैं। मैं देश के प्रत्येक युवा को आह्वान करता हूं, वो विकसित भारत का एम्बेसडर बने, वो विकसित भारत के संकल्पों का नेतृत्व करे। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता नमो ऐप पर जाएं और कम से कम 10 लोगों को विकसित भारत का एम्बेसडर बनाएं। हमें आज एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जिसका सपना हो विकसित भारत, जिसका संकल्प हो विकसित भारत, जिसकी साधना हो विकसित भारत, जिसका समर्पण हो विकसित भारत। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी नागरिक पीछे नहीं छूटे। इन चुनावों में मैंने लगातार कहा है कि हर लाभार्थी तक पहुंचकर भाजपा सरकार उसे सरकारी योजनाओं का लाभ देगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 14 नवंबर यानी जनजातीय गौरव दिवस यानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है। योजनाओं से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए सरकार खुद लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जिन क्षेत्रों में यात्रा पहुंच रही है वहां लोग खुशियां मना रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे गांव आ रही है। मैं आज विजय के इस समारोह से हर बीजेपी कार्यकर्ता को सलाह दूंगा, आग्रह करूंगा, अब आज से आपको मोदी की गारंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी, और ये भी मोदी की गारंटी है। और आपको एक बात और याद रखनी है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है।